डायबिटीज से युद्ध। दोस्तों, आज पूरा विश्व इस बीमारी से बहुत परेशान है। उसका नाम है डायबिटीज। लगभग 20-25 साल पहले ये डायबिटीज होता मतलब कोई घातक बीमारी होना ऐसा समझा जाता था, लेकिन आज घर घर में एक दो व्यक्ति या डायबिटीज से परेशान रहती है। पता है दोस्तों, यह ऐसा क्यों हुआ? कौन है जिम्मेदार? कैसे लड़ना है और कौन करेगा अपनी मदद? एक बुज़ुर्ग डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उनके गांव में डायबिटीज से बहुत लोगों की मौत हुई। अब तो इतनी उम्र हो चुकी है कि पूरे गांव में मैं एक ही बुज़ुर्ग व्यक्ति बचा हुआ हूँ और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कि आजकल कोई गरीब ही नहीं बचा, इसलिए डायबिटीज बढ़ गया। पहले ज़माने में लोग कम अनाज होने के कारण भूखे भी रहते थे, लेकिन आज बहुत सुखी लोग हैं, ज़्यादा अन्न है। अब तो सरकार ही 1 रुपये में धान्य दे देती है और उसी पर 1000 रुपये महीना घर चलाने के लिए कोई योजना के तहत दे देती है। अब सोचो, जिसके पास खाने पीने की कोई भी कमी नहीं हो, अनाज बहुत हो, वो क्या करेगा? वो मेहनत क्यों करेगा? और फिर एक ऐसा देश हो जाता है। अब खेत में काम करने के लिए मतलब मजदूर ही नहीं मिलते, बहुत मुश्किल हो गया है सब। लेकिन जिसको वो मेहनत भी क्यों करेगा अगर उसको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है? क्यों पसीना बहेगा? और उसी के तहत आती है डायबिटीज और लाखों बीमारियां। दोस्तों, इस शरीर में कहा जाता है कि 208 तरह की सिर्फ हड्डियां ही है। ये शरीर दिन भर कुछ ना कुछ व्यायाम अपेक्षित करता है। स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर साहब करते हैं कि अगर दिन भर चाय पीते रहेगा कोई, तो भी उसे गैस होगी और गैस होना भी डायबिटीज का लक्षण है। और हाँ, अब ये कहा जाता है कि अपना देश भारत डायबिटीज का कैपिटल मतलब मधुमेह की राजधानी है। ये बात कोई भी भारतीयों को दुखद समाचार ही होगी। दोस्तों, आपको पता है वो फिल्म अमर अकबर एंथनी में, तब अमिताभ जी कह रहे थे कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। वो बुजुर्ग डॉक्टर साहब कह रहे थे, उनका 50 साल का तजुर्बा, आज भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज चेन्नई में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सारा राइस खा लेते हैं, और राइस खाने से दिक्कत नहीं है दोस्तों, उससे मेहनत करते थे, वो सब मेहनत बंद हो गई। और एक चीज़ सामने आ गई कि चेन्नई के लोग सबसे ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं। अब शराब पीने से क्या होगा कि बेचारा वो अपना लीवर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर करते जाएगा और होगा NAFLD, मतलब कहा जाता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। मतलब क्या कि लीवर में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का प्रमाण होगा और फैटी लीवर बन जाता है। फिर और लीवर फेल्यूर कुछ ना कुछ होता है। दोस्तों, जानते हैं कि अपने दादा दादी, नाना नानी सावन का महीना, नवरात्रि, संकष्टी, एकादशी का व्रत करते थे, खाना नहीं खाते थे। आज साइंस भी यही कह रहा है कि आप कुछ ना कुछ उपवास करो, आप अपने खाने में ज़्यादा समय रखो, तब आपको जाके जो उपवास करने से शरीर की टॉक्सिक चीज़ें जो थी वो निकल जाती थी, शरीर को आराम मिलता था, पाचन संस्था को आराम मिलता था, वो आज हमें देखने नहीं मिलता। दोस्तों, ये आहार विहार यम नियमों का महत्व बहुत ज़्यादा है। आज की स्थिति ऐसी है ना कि डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि दवाइयाँ तब असर करेगी जब आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे कि आप इसके लिए प्राणायाम करो, योग करो, व्यायाम करो, चलो दौड़ो, जो चाहे कर लो, लेकिन सुनता कौन है? इस व्यक्ति को लगता है कि ये 4 दवाइयाँ मुझे स्वस्थ रखेगी। और डॉक्टर्स की ये समस्या है, विशेषतः शहर के लोगों का, क्योंकि शहर के लोगों का होता ऐसे है कि सुबह एक हल्का सा नाश्ता करके वर्किंग के लिए जाते हैं, दोपहर को भी बेचारा डब्बा लेके आ जाता है और उसमें से 2-3 रोटियां और सब्जी खाता है, लेकिन शाम होते होते घर लौटते लौटते
बहुत कुछ उसे दिखाई पड़ता है, मतलब रास्ते में पानी पूरी, पैटिस, वड़ा पाव, न जाने क्या क्या, पिज्ज़ा, बर्गर, और वो इस जाल में फंस जाता है। बोलते अब बस आज ही खा लूँगा और उसके बाद नहीं खाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। और डॉक्टर साहब फिर एक गोली और बढ़ा देते हैं या डोज उसका बढ़ा देते हैं। अपने यम नियमों को हमको बहुत ही अच्छी तरह से रखना चाहिए। अपनी परंपरा जो है वो खाने की, उससे अपने को बहुत कुछ मिल सकता है दोस्तों। मुझे कभी कई लोग कहते हैं कि हम सुबह उठकर पानी पीते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ कि सुबह मतलब कहाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, नहीं, सुबह मतलब सूर्योदय के पहले। अगर वो करोगे तभी आप तंदुरुस्त रहोगे। अपना भारतीय खाना, जहाँ पे फास्ट फूड लाइफ नहीं है और अपना सादा सा खाना है तो उसको खाते हैं तो अपने लिए बहुत ही सेहतमंद रहता है। नहीं तो होटल्स हॉस्पिटल में कब बदल जाएगा पता नहीं दोस्तों। अपना आयुर्वेद बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह कहीं वीडियो या कहीं पढ़कर दवाई ना ले। योग, व्यायाम, इसके लिए खुद देखकर अपना दवाई या अपनी योगासन मत नहीं करें, इसके लिए योग्य गुरु करें और उसे अच्छी तरह से गुरुदक्षिणा दे और उससे सीखे, उसका लाभ उठाए। दोस्तों आपको इस वीडियो में और क्या क्या चाहिए वो अपनी जानकारी के लिए, मुझे मेरी जानकारी के लिए अवश्य बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।